आज हम बात करने जा रहे हैं महीने की अनियमितताओं के बारे में। अनियमितता यानी कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, आखिर इरेगुलरिटीज होती क्या है। तो कोई भी चीज़ जो रेगुलर नहीं है दैट इज इरेगुलर, वेरी सिंपल। यानी कि जो नियमित रूप से नहीं आ रही है वो अनियमित है। अब अनियमित होने के कई सारे स्ट्रेटजीज हो सकती है या कई सारे डायग्नोसिस आप किसी भी तरीके से उसको अनियमित बता सकते हो। अनियमित बताने का कारण एक ऐसा हो सकता है कि आपका पीरियड टाइम पे नहीं आ रहा, यानी कि या तो समय से पहले आ रहा है या समय के बाद आ रहा है, या फिर हो सकता है कि आपका जैसे दो दिन के लिए पीरियड आ रहा था अभी आप चार दिन के लिए आ रहा है, या पहले चार दिन के लिए आ रहा था अभी दो दिन के लिए एक दिन के लिए आ रहा है, या आपने आप दो महीने तक आपका पीरियड ही नहीं आया। तो ये जो सारी चीज़ें जो एक रेगुलर वे में आपके साथ हो रही थी कि तीन से पाँच दिन का पीरियड आ रहा था, अट्ठाईस से तीस दिन के अंदर पीरियड आ रहा था, पीरियड के अंदर किसी प्रकार की स्पॉटिंग नहीं हो रही थी, कोई पेन नहीं हो रहा था, तो वो तो सब था नॉर्मल। लेकिन अगर आपके इन सब चीज़ों में कुछ भी एड ऑन हो गया तो हम उसको बोलेंगे कि ये अनियमित पीरियड है।